हेलो दोस्तों, एक बार फिर अल्फा बेवरेजेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जो बिजनेस करने के लिए आपको शॉप, गोडाउन वगैरह कोई भी चीज़ आपको रेंट पे रखने का जरूरत नहीं है। ये बिजनेस आप घर से आपका खुद का कंपनी, खुद का ब्रांड बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। और ये बिजनेस करने के लिए आपको शॉप, गोडाउन वगैरह कोई भी चीज़ रेंट पे रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आज हम आपको पॉपकॉर्न मेकिंग बिजनेस दिखाने वाले हैं। पॉपकॉर्न को आपको ग्लास में पैक करके आप इजीली मार्केट में होलसेल में सेल कर सकते हो। आपका खुद का ब्रांड बना के, खुद का कंपनी बना के आप मार्केट में सेल कर सकते हो दोस्तों। तो ये बिजनेस का हम आपको आज पूरा जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप पॉपकॉर्न बना सकते हो, कैसे उसको ग्लास में पैक करने का है, ग्लास में पैक करने के लिए आपको कौन सी मशीन का जरूरत पड़ता है, उसके ऊपर आपको कैसे स्टिकरिंग लगाना है, किस तरह का ग्लास आपको बनाना है, वो सारा जानकारी हम आपको आज देने वाले है। तो शुरू से लेकर ये वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको पूरा मालूमत मिल जाए। आपको एक पॉपकॉर्न का ग्लास बनाते हो तो कितने में आपको लागत आता है और बिकने में कितने के लिए जाता है, मार्केट में सेल कितने में होता है, वो सारा जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए बिजनेस आइडिया मिलते रहे, नई नई प्रोडक्ट के हम वीडियो हमारे चैनल में रखते रहते हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारी कंपनी की अल्फा ब्रांड की पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन। यह मशीन के अंदर से हमने सारा प्रोडक्शन अभी निकाल के रखा हुआ है और मशीन के अंदर से हमने इस तरह के ग्लास पैकिंग करके रखे हुए, आप देख सकते हो। ये हमने हमारी मशीन में पॉपकॉर्न बनाया हुआ है और यहाँ पे ये सीलिंग मशीन पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये ग्लास को हमने सीलिंग किया है। और यहाँ पे आपकी जो कंपनी का नाम है, जो भी आपने गुरु उद्योग बनाया है या फिर आपकी जो प्रोडक्ट का आपने नाम रखा है, वो यहाँ पे आपकी कंपनी का स्टिकरिंग लगा के आप मार्केट में ईजिली सेल कर सकते हो दोस्तों, आपकी खुद की प्रोडक्ट बना के। और ये बिजनेस करने के लिए आपको शॉप, गोडाउन वगैरह कोई भी चीज़ लेने की जरूरत नहीं, आप घर से चालू कर सकते हो। ये जो दो मशीन है वो इतनी स्पेस नहीं है, इसके अंदर स्पेस का जरूरत नहीं पड़ता है और इजीली ये छोटी सी जगह में रह जाती है मशीन। और इसके अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने का भी जरूरत नहीं है, कम इन्वेस्ट में ही आपका बिजनेस शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये मैं आपको पहले मशीन का पूरा मालूमात दे देता हूँ। यहाँ पे ये मशीन के अंदर हमने यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपकॉर्न वगैरह बना के रखा हुआ है। यहाँ पे इसका ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये जो स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, ये हीटिंग का स्विच दिया हुआ है, ये जो स्विच दिया हुआ है, ये इसके अंदर जो आप पॉपकॉर्न बनाओगे उसको घुमाएगा, ये घुमाने के लिए इसका स्विच दिया हुआ है। और ये इसका लाइटिंग का स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे इसको आप ऑन करोगे इसलिए लाइटिंग ऑन हो जाएगा, प्लस इसके अंदर ये आप लाइटिंग ऑन करते हो इसलिए हीटिंग लाइटिंग है। यहाँ पे आप पॉपकॉर्न बना के रखते हो तो इसके अंदर यहाँ पे भी ये प्लेट दिया हुआ है, वो भी गर्म होता है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आप कोई पैकिंग का बिजनेस नहीं करना है या फिर कोई शॉप वगैरह में मशीन को रखनी है और ये सीलिंग का आपको बिजनेस नहीं करना है, होलसेल में आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करनी है, तो आप शॉप पे भी लगा सकते हो, कहीं पर भी मॉल वगैरह पे लगा सकते हो आप, या फिर कोई स्ट्रीट वगैरह पे भी ये मशीन को आप फिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका ये हीटिंग का बटन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पॉपकॉर्न बना के अगर रख देते हो तो वो पॉपकॉर्न गर्म का गर्म रहेगा, ठंडा नहीं होगा। दूसरी सिस्टम इसके अंदर ये दी हुई है कि आप अगर पॉपकॉर्न बनाते हो, ठीक है, प्रोडक्शन निकलता है तो कोई कोई दाने इसके अंदर रह जाते हैं जो पकते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रे दिया हुआ है, यहाँ पे होल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो ट्रे है उसके अंदर जो दाने रहते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, तो आप रिप्रोसेस कर सकते हो, ये आपका जो मटेरियल रहता है वो वेस्टेज नहीं जाता है दोस्तों। और आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पॉपकॉर्न को घुमाने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसको आप ऑन करोगे इसके लिए ये चालू हो जाएगा। इसको हम आपको ऑन करके दिखाएंगे, ये आप देख सकते हो स्टार्ट हो गया है, ये इसका मोटर का बटन है, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हीटिंग का बटन इसका दिया हुआ है, और ये जो है लाइटिंग का बटन, इससे आप लाइट और हीटर दोनों ऑन ऑफ कर सकते हो। जो यहाँ पे हीटर दिया हुआ है, यहाँ पे जो हीटर लगता है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अभी ये मशीन के अंदर से मैं आपको ग्लास पैक करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको ग्लास को पैकिंग कर दे।
हम यहाँ से एक एम्प्टी ग्लास ले लेंगे। ये आप देख सकते हो इसके अंदर हमने पॉपकॉर्न फिल कर दिया है। अब इसको हम पैकिंग करेंगे। यहाँ पे इसका सीलिंग मशीन है, इसके अंदर आप इजीली ये ग्लास को पैकिंग कर सकते हो। ये आप देख सकते हो ये ग्लास सीलिंग हो चुका है, बिल्कुल इजी टू यूज है, मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर। इजीली इसको आप पैकिंग कर सकते हो। ये अभी सीलिंग हो गया है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो पॉपकॉर्न का ग्लास है जो, ठीक है, ये स्मॉल साइज ग्लास है। अगर इस तरह का प्रोडक्शन निकलते हो, ऐसी ग्लास बनाते हो आप पॉपकॉर्न फिल करके, तो इसका आपको टोटल लागत आता है 1.50 रुपये। ये रिटेल में बिकने के लिए जाता है ये ग्लास 5 रुपये में दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी बिग साइज आती है, इतनी साइज रहती है। वो ग्लास अगर आप पैकिंग करते हो तो आपको 2.50 रुपये में एक ग्लास का लागत आता है। वो इजीली रिटेल में बिकने के लिए जाता है 10 रुपये में। तो अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनेस है। और ये जो सीलिंग मशीन है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर खाली इस तरह का पॉपकॉर्न ही पैक कर सकते हो। इसके अंदर आप बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट पैक कर सकते हो। अगर किसी कस्टमर का जूस पार्लर है तो उनको ये जूस पैक करके देना है ग्लास के अंदर, तो इसके अंदर जूस भी आप पार्सल कर सकते हो, पैक कर सकते हो। या फिर कॉटन कैंडी आता है जो, जिसको बुढ़ी के बाल बोलते हैं, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर पैकिंग कर सकते हो। कॉटन कैंडी भी ये मशीन के अंदर आप इजीली पैकिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हो। तो अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा ये चलने वाला बिजनेस है, न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट है। तो आप भी इस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, इस तरह की मशीन खरीदना चाहते हो, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9265471717। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारा कॉल सेंटर ऑन रहता है। नंबर पे आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो दोस्तों। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले नए नए वीडियो देख सकें। थैंक यू।